हेलो दोस्तों, नमस्ते। दयामी फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अनारसा, जो कि बिहार और महाराष्ट्र का एक फेमस डिश है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनारसे बनाने के लिए हमने 2 कप चावल यहाँ पे भिगो कर ले लिया है। चावल को हमने 12 घंटे भिगो कर ले लिया है। यहाँ पर आप कोई भी मोटे चावल जो आते हैं वो ले सकते हैं, या खिचड़ी या खीर वाले चावल आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बासमती मोगरा राइस लिया है। हमने चावल के एक्स्ट्रा पानी को हटा दिया है। इस तरह से साफ पानी से धो करके एक छन्नी पर ले लिया, छानकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। और फिर इसके बाद हमें कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उस पर ये चावल जो हमने छान कर रखे थे उसे फैला देंगे पंखे के नीचे। इसको फैला कर 45 मिनट से 1 घंटे तक के करीब इसको रख देंगे ताकि इसका जो है पानी अच्छी तरह से सूख जाए। इस तरह से अच्छे से फैला देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है सूख जाए। देखिए, लगभग हमने 1 घंटा तक पंखे के नीचे इसको सुखा लिया है। देखिए, इसका पानी अच्छे से सूख गया है। कुछ इस तरह से सुखा लेंगे। हमने लगभग 1 घंटे के करीब सुखाया है चावल को। अब हम पीसेंगे। इसके लिए हमने मिक्सी जार में चावल को थोड़ा थोड़ा डाल करके एक अच्छा सा फाइन पाउडर बनाकर पीस लेंगे। इस तरह से इसको हम एक मोटे छन्नी से छान लेंगे ताकि चावल के जो है मोटे टुकड़े इसमें न रह जाए। इसके लिए अच्छी तरह से छान कर ले लेंगे, मोटे वाले छन्नी से छानेंगे। देखिए, इसको एक्स्ट्रा है जो इसको फिर से पीस लेंगे। इस तरह से हमने दोबारा पीस लिया है और सारे पीसे हुए राइस पाउडर को छान कर ले लेंगे और एक्स्ट्रा मोटे वाले पार्ट को अच्छी तरह पीस कर ले लेंगे। इस तरह से हमने सारे चावल के आटे को छान करके ले लिया है। अब इसमें हम 1.25 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा कम लगभग पीसी हुई चीनी डालेंगे। इसे भी हम छन्नी से छान लेंगे ताकि जो मोटे चीनी के टुकड़े रह गए हों उस अच्छी तरह से छन जाए। इस तरह चीनी पाउडर को भी जो है छान करके ले लेंगे। इस तरह देखिए, इसका एक्स्ट्रे जो बचा है पार्ट उसको हटा देंगे। अब चावल और चीनी को मिक्स कर लेते हैं। इसमें करीब 2 पिंच के करीब जो है मीठा सोडा डालेंगे, क्योंकि चावल से बनने पर थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए सोडा डालने से थोड़ा जो है हल्का रहेगा हमारा अनारसे। हमने 1/2 कप के करीब पानी ले लिया है और पानी जो है ज़रूरत के अनुसार इसमें डालेंगे। सोडा लिया था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि हमारा जो डो है ज़्यादा लूज ना हो जाए। इसलिए इस तरह से इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाला है ताकि हमारे जो अनारसे हैं सॉफ्ट बने और अच्छा टेस्ट आए। इसके लिए हमने 1 चम्मच के करीब घी डाला है। इस तरह डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इस तरह से 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। देखिए, हमारा डो को 10 मिनट हो चुका है और हमने पानी बताना भूल गया था। हमने 1/2 कप के करीब पानी लिया था, उसमें लगभग 1/4 के करीब ही पानी लगा है।
हम यहाँ पे अनारसे बनाने के लिए सफ़ेद तिल ले लिए है, और ये हमने थोड़े से मावा ले लिया है। मावा का कलर येलो दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल किया था, और इसमें हमने 2 से 3 इलायची का पाउडर कूट कर डाल दिया है। मावे में हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब चीनी भी मिलाकर ले लिया है ताकि मीठा लगे। डो से हम छोटा सा पेड़ा इस तरह से तोड़ करके ले लेंगे, छोटा सा पार्ट इस तरह से रोल करके इसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे, क्योंकि हमने जो मावा लिया है वो मावे की फिलिंग डालेंगे इसमें, इस तरह से भरेंगे और इस तरह से चारों साइड से उठा उठा कर हम इस तरह से बंद कर देंगे, और इस तरह हथेलियों की सहायता से इस तरह से रोल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको जो है बंद करेंगे, कहीं से मावा निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से तिल में जो है अच्छे तरह से कोट कर देंगे, हर तरफ से तिल अच्छे से चिपक जाना चाहिए। अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा तिल जो है निकाल लेंगे। इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, इसमें हम अनारसे डाल देंगे। इसी तरह हम दूसरे अनारसे को भी बनाकर तैयार कर लेंगे, और इस तरह एक एक अनारसे हम बनाते जाएंगे और डायरेक्ट जो है हम तलने के लिए कढ़ाई में डालते जाएंगे। इस तरह से देखिए हमने दूसरे अनारसे को भी अच्छे से तेल से कोट करके ले लेंगे, अच्छे तरह से प्रेस करके तेल को चिपका लेंगे। इस तरह से देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है तेल को। अब हम इसे भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अनारसे को है मीडियम फ्लेम पे तलेंगे और मीडियम गरम तेल में डालेंगे, लो फ्लेम पर नहीं तलेंगे क्योंकि हमारे अनारसे लो फ्लेम पे तलने पे हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से नीचे से हमारे अनारसे सीख गए हैं, इस तरह से हम पलट देंगे, पलट पलट कर जो है अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार कर लेंगे, और गरम तेल जो है ऊपर से डालते रहेंगे ताकि अनारसे हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो। देखिए हमारे अनारसे सिक कर तैयार हैं, अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कितने बढ़िया अनारसे बनकर तैयार हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितने अच्छे अनारसे बने हैं। अनारसा तलते वक्त ये ध्यान देना है कि हम अनारसे को लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि चावल के आटे से बने होते हैं तो इसलिए हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। देखिए दूसरे बैच के भी अनारसे भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और कितने अच्छे अनारसे बने हैं। और तिल भी देखिए अच्छे से लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत ही तिल निकले हैं। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें, बिल्कुल टेस्ट में बहुत अच्छा है। इस तरह से हमारे अनारसे बनकर तैयार हैं, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।